हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस चैनल, द बेस्ट चैनल फॉर योर फ्यूचर। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए द हिंदू के जीके और करंट अफेयर लेके आया हूँ 9 जून के। आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह समझाऊंगा, बढ़िया समझ आएंगे और आपके कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे। तो पहले देखो, मक्का मस्जिद कहाँ पे है? हैदराबाद में है। एक मक्का मस्जिद मक्का में भी है, पर ये इंडिया वाली पूछी गई है तो आप हैदराबाद टिक करोगे। वन ऑफ द बेस्ट मस्जिद है ये। तो अब मस्जिद से एक मुझे श्रीलंका के रायट आ गए थे, तो ये आपको बता देता हूँ, वहाँ पे इमरजेंसी भी लग गई थी इन रायट की वजह से। तो ये दंगे हुए की चीज़ की वजह से, ये आप समझो। वहाँ पे एक स्कूल था, वो हिंदू स्कूल था, वहाँ पे 4 मुस्लिम टीचर थी। तो जो मुस्लिम टीचर थी वो पहले तो साड़ी पहन के आती थी तकरीबन 1 साल पहले तक, पर अभी 2-3 महीने से उन्होंने अबाया पहनना शुरू कर दिया था। अबाया होता है जो इनका काले कलर का ऊपर से नीचे तक ढका हुआ होता है वो, ठीक है। तो वहाँ के जो बच्चे थे और वहाँ के दूसरे टीचर थे, तो उनके अंदर हॉस्टिलिटी पैदा हो गई, मतलब उनके अंदर गुस्सा आ गया कि भाई ये तो हिंदू स्कूल में अपना मुस्लिम वो कैसे पहन रही है कपड़े। भाई सही बात है, क्योंकि हिंदू स्कूल है वो 100 साल से भी पुराना स्कूल है, अब वहाँ पे एकदम से चेंज होगा तो उन्हें भी बुरा लगेगा। तो ये चेंज हुआ, ठीक है, कुछ नहीं। तो व्हाट्सएप पे वहाँ पे आपस में लोग भेजते रहे, फॉरवर्ड करते रहे, कोई नहीं। फिर एक इंस्टेंस और हुआ कि वहाँ पे एक दुकान थी एक मुसलमान की, और वो अपनी दुकान में एंटी स्टेराइट दे रहा था हिंदुओं को। ये मतलब अफवाह फैलाई गई, वो दे तो नहीं रहा था कि जिससे ये बच्चा पैदा ना कर सके। फिर वो बहुत ज़्यादा फैल गए और वहाँ दंगे हो गए और उसमें 2 व्यक्ति मर भी गए, तो इसलिए वहाँ इमरजेंसी लगी थी। तो मुझे लगता है अब आप ये समझ जाओगे कि क्यों वहाँ पे इमरजेंसी लगी थी। अब अगला देखो, होरी हाबा, ये क्या है? ये बुल कार्ट का फेस्टिवल है, ठीक है, साउथ में खेला जाता है, तमिलनाडु और केरला साइड, ओके, उसके जैसे ही है ये, जो आपने एक वो नाम सुना होगा जिसमें जल्लीकट्टू की तरह ही है। अब अगला देख लो, यूरेनियम लेवल इन ग्राउंड। तो यूरेनियम लेवल ग्राउंड में कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? तो मैक्सिमम होनी चाहिए 30 μg/L, इससे ज़्यादा होते ही आपके लिए खतरनाक है। और अभी कहाँ पे मिला है हमें? राजस्थान में। अभी इसके बारे में पता लगा है कि राजस्थान में इससे ज़्यादा है, और भी हैं कई राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। तो इंडिया में तो कोई है नहीं कि यूरेनियम को नापने के लिए कुछ हो अगर नियम, और ये ग्राउंड वाटर डिक्लाइन होने की वजह से भी हो रहा है, ठीक है, और साउथ में भी थोड़ा बहुत है। तो यूरेनियम बहुत ख़तरनाक चीज़ है अगर पानी में आ गया तो। अब 2 टेम्पल देख लो, जगन्नाथ और सोमनाथ। जगन्नाथ टेम्पल तो उड़ीसा में है और सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में। अगर देखो S-400, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज फिर एक बार आ गई। फिर देख लो, ये डिफेंस मिसाइल है सिस्टम, ये इंडिया रशिया से खरीदने जा रहा है। $4.5 billion का इसकी एस्टिमेट लगाई जा रही है, उसमें 5 मिसाइल खरीदेगा इंडिया रशिया से। तो इस पर USA हमारे पे वो कह रहा है कि इसको मत खरीदो वरना हम आप पे केस लगा देंगे और आपके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी व्यूटी ऐड कर देंगे। तो हमें डरा रहा है USA, पर हमें डरना नहीं चाहिए। अब अगला देखो, VVPAT फेलियर, जो हमारी ये वोटिंग मशीन फेल हो गई थी, ये क्यों हुई थी? ड्यू टू एक्सेसिव इल्यूमिनेशन, वहाँ पे लाइट ज़्यादा थी इस वजह से ये फेल हो गई थी। क्वेश्चन आ जाए तो आप टिक कर देना। अब अगला G7 समिट, ये G7 समिट कनाडा में चल रही है, 44th समिट है, इंडिया इसका भाग है नहीं। इसके देश है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US और US, UK और US, ठीक है। तो इन देशों को आप याद रखना। अगला देखो, कनाडा कैपिटल ओटावा, करेंसी डॉलर, फ्रांस की पेरिस यूरो, जर्मनी की बर्लिन यूरो, इटली की रोम यूरो, जापान की टोक्यो येन, UK की लंदन पाउंड। तो कोई भी कंट्री अगर मैं बताता हूँ तो उसकी आपके कैपिटल करेंसी साथ में बताता हूँ, कभी भी बस यूँ नहीं कह देता है कंट्री है, क्योंकि कंट्री और कैपिटल आपको याद होना चाहिए। अगला देखो, तो G7 जो है 62% ले रहा है, जो कि $280 trillion मानी जाती है। अगला UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके नॉन परमानेंट के लिए अभी इलेक्शन हुआ था इंडोनेशिया वर्सेस मलेशिया के बीच में, जिसमें इंडोनेशिया 144-46 से मलेशिया को परास्त कर दिया और इंडोनेशिया उसका नॉन परमानेंट मेंबर बन गया। 2 साल के लिए बनता है नॉन परमानेंट मेंबर, और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अमेरिका में। इंडोनेशिया जकार्ता इसकी कैपिटल है, और यहाँ पे करेंसी चलती है रुपया, और मालदीव की कैपिटल है माले, और यहाँ पे करेंसी चलती है रुपया। तो दोनों का रुपया जैसे नाम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। अब अगला देखो, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन US सीनेटर। तो ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन सीनेटर हैं कमला हैरिस, ये US में बहुत अच्छा काम कर रही है और इंडियन ओरिजिन है, ये सबसे अच्छी बात ही है।
अब जीएसटी काउंसिल, इसके टोटल 33 मेंबर है और उसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। इसकी हर साल मीटिंग होती है, क्योंकि अभी जीएसटी नई नई बनी है तो इसमें काफ़ी खामियां है उसको सही करने के लिए। अब अगला देखो, देवचा पचामी कोयल माइन, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, याद रखना DPWBC याद कर लो इसको, दिल्ली पुलिस वेस्ट बंगाल, आराम से याद हो जाएगा। IOC आइकन ऑफ द ईयर है बोपन्ना, ठीक है, जो इंडियन ओलंपिक कमीशन है इसके प्लेयर ऑफ द ईयर हैं इस बार बोपन्ना, याद रखना। लास्ट रोलैंड गैरोस, ये टेनिस का टूर्नामेंट है और क्ले में खेला जाता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।